दोस्तों आज हम बनाएंगे धारवाड़ के बहुत ही मशहूर व स्वादिष्ट पेड़े। जब हम इन्हें खाते हैं तो इसमें एक अलग ही क्रंचीपन आता है जो इसके स्वाद को और ज़्यादा बढ़ा देता है। अगर आप मेरे बताए हुए तरीके से पेड़े बनाएंगे तो आपके पेड़े बहुत ही स्वादिष्ट व टेस्टी बनेंगे। इन टेस्टी पेड़ों को खाकर कोई भी ये नहीं कह सकता कि आपने इन पेड़ों को घर पर बनाया है। ये एकदम हलवाई के बनाए हुए पेड़ों की तरह लगते हैं। तो फिर चलिए बनाना शुरू करते हैं ये टेस्टी पेड़े। इन टेस्टी पेड़ों को आप एक महीने तक रखकर खा सकते हैं। धारवाड़ के ट्रेडिशनल पेड़े बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की आवश्यकता है, चलिए आपको दिखाते हैं। चीनी 1/4 कप, वज़न में ये 200 ग्राम है। फ्रेश मावा 250 ग्राम, पनीर 200 ग्राम। पेड़े बनाने के लिए पनीर और मावा हमें दोनों को फ्रेश लेना है। घी 4 टीस्पून, दूध 3 टेबल स्पून, बूरा 1/2 कप, हरी इलायची 7 इनका मैं पीसकर पाउडर बना लूँगी। पेड़े बनाने के लिए सबसे पहले हम पनीर को ग्रेट कर लेंगे। मैंने पनीर को ग्रेट कर लिया है। गैस पर एक कढ़ाई रखें और इसमें 2 टीस्पून देसी घी डाल लें। घी मेल्ट होने पर हम इसमें पनीर डाल देंगे। स्लो आंच पर हम पनीर को चलाते हुए भून लेंगे। घी डालने से पनीर बहुत अच्छा भुनता है। मुझे पनीर को भूनते हुए 3 मिनट हो गए हैं। अब हम इसमें चीनी डाल देंगे। चीनी आप अपने स्वाद अनुसार कम या ज़्यादा कर सकते हैं। चीनी और पनीर दोनों को चलाते हुए भून लें। हमें पनीर को गोल्डन कलर आने तक भूनना है। ये देखें, हमारी चीनी अच्छे से मेल्ट हो गई है। अभी हमें इसे गोल्डन ब्राउन कलर आने तक भूनना है। ध्यान रहे गैस की आँच को स्लो ही रखें। अगर आपने पनीर को तेज़ आँच पर भून लिया तो ये जल जाएगा और फिर हमारे पेड़े का टेस्ट ख़राब हो जाएगा। स्लो आँच पर मुझे इसे भूनते हुए 15 मिनट हो गए हैं। अब गैस को बंद कर दें और इसे बराबर चलाते रहें क्योंकि हमारी कढ़ाई अभी गर्म है। अब हम पनीर और चीनी के मिश्रण को एक प्लेट में निकाल लेंगे। अब इसे ठंडा होने के लिए रख दें। अब कढ़ाई में बाकी का बचा हुआ 2 टीस्पून घी डाल लें। घी मेल्ट होने पर हम इसमें अपना मावा डाल देंगे। मावे को क्रश कर लें। स्लो आंच पर मावे को भी चलाते हुए ब्राउन होने तक भून लें। मेरा मावा सॉफ्ट था। अगर आपका मावा टाइट हो तो कढ़ाई में डालने से पहले मावे को अच्छे से मैश कर लें। स्लो आंच पर मावे को लगातार चलाते हुए गोल्डन ब्राउन होने तक भून लें। स्लो आंच पर मुझे मावे को भूनते हुए 8 मिनट हो गए हैं। ये देखिए, अब इसका कलर चेंज होना शुरू हो गया है। अभी मुझे मावे को गोल्डन ब्राउन होने तक भूनना है। स्लो आंच पर मुझे मावे को भूनते हुए 15 मिनट हो गए हैं। ये देखिए, अब हमारे मावे का कितना अच्छा कलर आया है। गैस को बंद कर दें और मावे को थोड़ी देर चलाते रहें क्योंकि हमारी कढ़ाई गर्म है। मावे को कढ़ाई में ही रखा रहने दें। अब हम अपनी चीनी और पनीर दोनों को मिक्सर जार में डालकर बारीक पीस लेंगे। ये देखिए, मैंने दोनों चीज़ों को बारीक पीस लिया है। अभी ये थोड़ा मोटा है, हमें इसका एकदम बारीक पेस्ट चाहिए। तो अब मैं इसमें 3 टेबल स्पून दूध डाल दूँगी। दूध डालकर इसको एक बार और बिल्कुल बारीक पीस लें। ये देखिए, अब इसका बारीक पेस्ट बनकर तैयार है। अब हम इस पेस्ट को कढ़ाई में डाल देंगे। गैस को ऑन कर लें और स्लो आंच पर इन दोनों को आपस में मिक्स करते हुए पका लें। दूध डालने की वजह से ये अभी पतला हो रहा है। स्लो आंच पर हमें इसे एकदम खुश्क होने तक पकाना है। अब इसमें छोटी इलायची पाउडर डाल दें। पाउडर डालकर चलाते हुए मिला लें। अभी हमें इसे पेड़ा बनाने की कंसिस्टेंसी आने तक पकाना है। गैस की आंच को एकदम स्लो रखें और इसे लगातार चलाते रहें। ध्यान रहे हमारा मिश्रण नीचे तले में ना लगे। अगर हमारा मिश्रण नीचे तले में चिपक गया तो हमारे पेड़े का टेस्ट ख़राब हो जाएगा। थोड़े से मिश्रण को एक कटोरी में निकाल लें और इसे थोड़ा ठंडा होने दें। थोड़ा ठंडा होने पर हम इसकी बॉल बनाकर देख लेंगे। ये देखिए, इसकी बॉल बन गई। अब हमारा मिश्रण पेड़े बनाने के लिए एकदम तैयार है। ये देखिए, इसका कितना अच्छा ब्राउन कलर आया है। गैस को बंद कर दें और मिश्रण को चलाते हुए ठंडा कर लें। पेड़े बनाने के लिए हमें मिश्रण को बिल्कुल ठंडा नहीं करना है। हल्के गर्म मिश्रण में ही हम इसके पेड़े बनाएंगे। पेड़े बनाने का हमारा मिश्रण अब इतना गर्म है कि हम इसे आराम से हाथ में ले लेंगे। अब इसमें से थोड़ा सा मिश्रण लेकर इसके पेड़े बना लें।
मैं पेड़े को सिलेंडर शेप में बना रही हूँ। आप अपने पसंद अनुसार पेड़े को किसी भी शेप में बना सकते हैं। ये देखिए हमारा पेड़ा बनकर तैयार है। बूरे को एक प्लेट में कर लें। अब हम पेड़े पर बूरे की हल्की सी कोटिंग कर लेंगे। ये देखिए मैंने पेड़े पर बूरे की कोटिंग कर ली है। इसी तरह से हम बाकी के सभी पेड़े बनाकर तैयार कर लेंगे। ये देखिए हमारे टेस्टी पेड़े बनकर तैयार है। इतने मिश्रण में हमारे ये तेहरा पेड़े बनकर तैयार है। पेड़े बनाते समय मावा और पनीर दोनों को हल्की आंच पर ही भूनना है। पेड़े बनाते समय हमारा मिश्रण हल्का गर्म ही होना चाहिए। अगर हमारा मिश्रण ठंडा हो गया तो फिर इसके पेड़े नहीं बनेंगे, पेड़े बनाते समय ये बिखर जाएंगे। अगर आप इन सभी बातों को ध्यान में रखकर पेड़े बनाएंगे तो आपके पेड़े बहुत ही स्वादिष्ट बनेंगे।